Hi kids, welcome to your English session. And I'm your teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new and interesting chapter of your book. And we are doing Literary Journeys and English Reader for Class 7 by Brainroot Publications. Okay children, so today we are about to start lesson number 15. And what is the title of lesson number 15? The Fun They Had. Children, this is a very very interesting story. बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी है. अच्छा, कभी आपने सोचा है कि फ्यूचर में आने वाले समय में क्लासरूम्स किस तरह के होंगे? जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है विद द लॉन्च ऑफ AI टूल्स, गैजेट्स एंड सो मेनी थिंग्स, इवन रोबोटिक्स में हम धीरे धीरे इतना एडवांसमेंट कर रहे हैं. आज से 50 साल बाद या 60 साल बाद व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम्स कैन यू इमेजिन? सोच के देखिए. कुछ इमेजिनेशन में ऐसा आ रहा है कि हम कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे, या हम रोबोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, या AI टीचर्स हमें पढ़ाएंगे, राइट? तो फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे? आपको क्या लगता है, अभी आप जो स्कूल जाते हैं जहाँ ह्यूमन बीइंग्स आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा मज़ेदार है, या फिर आपको कोई रोबोट पढ़ाए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? आज का चैप्टर इसी बात को डिस्कस करेगा. आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम दो बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसी बात को लेके चर्चा कर रहे हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. School education holds its own importance. In this chapter, a girl named Margie is taught by a computer which the child envisions for all his classmates, influenced by the experiences and feeling of his grandmother, mother and father. So today we are going to start about a girl whose name is Margie. ये जो छोटी सी बच्ची है मार्गी, ये स्कूल नहीं जाती, वो घर पे ही कंप्यूटर के थ्रू एजुकेशन लेती है. ठीक है, द स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर. स्टोरी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है स्टोरी में. ये कहानी थोड़ा आगे सेट हुई है, मतलब आज से कई साल बाद स्कूल्स किस तरह के होंगे, बच्चे एजुकेशन कैसे लेंगे, उस पर बेस करके ये कहानी लिखी गई है. तो आइए पढ़ते हैं. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed May 17, 2155. So children, as you can see the date, आप डेट देखिए. मार्गी को डायरी लिखने की आदत है और उसने डायरी में क्या डेट डाला है? May 17, 2155. ऑल राइट, और अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें भी 2024 में हैं. तो ऑलमोस्ट कई साल बाद, आज से ऑलमोस्ट हम अप्रॉक्सीमेटली 100 साल बाद, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, 100-150 साल बाद लगभग, उसके बाद हम बात कर रहे हैं जिस वक्त कंप्यूटर्स ने पूरी तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. सो व्हाट डिड शी राइट, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, असली किताब मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर. सो मार्गी ने बोला कि उसके जो दादाजी थे, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि जब वो छोटे थे तब जितनी भी स्टोरीज थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी, राइट? दे टर्न द पेजेस विच वर येल्लो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. तो मार्गी ने फर्दर बताया कि उसके दादाजी कहते थे कि जितने भी अक्षर थे, जितने भी अल्फाबेट्स थे, वो बिल्कुल स्टेशनरी मोड पे बुक में प्रिंटेड रहते थे, वर्ड्स अपनी जगह से नहीं हिलते थे. जबकि मार्गी कंप्यूटर स्क्रीन पे जब पढ़ाई करती है तो एक एक लाइन कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करती है, उसको उसी चीज़ की आदत है. तो वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही कि इस तरह कोई बुक से कैसे पढ़ सकता है. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट एंड इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम.
सो शी सेज कि जब वो टर्न करेगी पेज बार बार, जितनी बार वो पेज को टर्न करेगी तो वो जो पेज के वर्ड्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे बिना चेंज किए हुए. राइट. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रो इट अवे. सो टॉमी और मार्गी डिस्कस कर रहे हैं और इतने में टॉमी ने बोला, कितना बोरिंग है ऐसे बुक्स की बातें. अरे क्या करना इतनी बुक्स कलेक्ट करके, एक बार बुक्स पढ़ लिया फिर उसको थ्रो कर दो, फेंक दो, वो तो किसी काम की नहीं है जब हमने बुक को पढ़ लिया है. हमारे कंप्यूटर स्क्रीन को देखो, उसमें कितनी सारी स्टोरीज हैं, मिलियंस और मिलियंस ऑफ स्टोरीज है, फिर भी अभी उसमें स्पेस है कि और भी उसमें स्टोरीज ऐड कर सकते हैं. ठीक है चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि मार्गी और टॉमी एक ऐसे एज में जी रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है. वो फ्यूचरिस्टिक बच्चे हैं, यानी वो फ्यूचर में अभी हैं. ठीक है, टाइम मशीन के थ्रू अगर हम इमेजिन करें कि हम फ्यूचर में पहुँच चुके हैं तो वो भी फ्यूचर में हैं और फ्यूचर में उन्हें बुक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता. वो सब कुछ कैसे कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें बुक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है. सेम विद माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडन सीन मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13. सो मार्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड. और मार्गी ने उतने ही शायद किताबें नहीं देखी थी जितना टॉमी ने देख लिया. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. अब मार्गी ने पूछा, ये कहाँ से मिला तुम्हें, ये जो बुक मिली है ये कहाँ से मिली. In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic. What's it about? School. So, जब मार्गी ने पूछा कहाँ से मिली तुम्हें ये किताब, तो टॉमी ने बोला मेरे घर पे ही थी. घर में मैंने पुरानी जो हमारी कबर्ड्स हैं उनमें ढूंढा, उसमें ढूंढते हुए मुझे ये बुक मिल गई. तो मार्गी was very curious. She started asking, अच्छा इस किस बारे में है ये बुक, बुक में क्या क्या है. तो टॉमी सेड इट इज़ अबाउट स्कूल, यानी उस टाइम पे स्कूल कैसे होते थे, स्कूल बिल्डिंग्स कैसी होती थी, स्कूल में क्या क्या होता था, ये सब इस बुक में लिखा हुआ है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. अब मार्गी को जैसे ही स्कूल के बारे में पता चला वो तो बिल्कुल उसका मूड ऑफ हो गया, बिल्कुल चिढ़ गई. उसने बोला स्कूल, स्कूल के बारे में बुक लिखने की क्या ज़रूरत है, स्कूल में ऐसा है क्या जिसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. सो फाइनली क्या हुआ, मार्गी को स्कूल वैसे ही पसंद नहीं था क्योंकि उसके लिए तो स्कूल मतलब सिंपल वो मैकेनिकल कंप्यूटर स्क्रीन, उसको स्कूल वैसे ही पसंद नहीं था. और आजकल तो वो स्कूल को और ज़्यादा हेट करती थी. क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी टीचर जो है, मतलब कंप्यूटर का जो ज्योग्राफी सेक्शन है, वो मार्गी को एक के बाद टेस्ट दिए ही जा रहा था और हर टेस्ट में मार्गी के मार्क्स जो है कंसिस्टेंटली कम होते जा रहे थे. और जिस चीज़ में हमारे मार्क्स कम आते हैं हमें वो सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. सो मार्गी ऑल्सो स्टार्टेड हेटिंग द स्कूल कि बेकार स्कूल है, गंदे गंदे टेस्ट देता है मुझे, तो मेरे तो नंबर भी अच्छे नहीं आते, बेकार चीज़ है. सो फाइनली मार्गीज मदर कॉल्ड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर ताकि वो चेक कर सकें कि क्या प्रॉब्लम थी मार्गी के कंप्यूटर में और क्यों बार बार उसका मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट दे रहा है. सो काउंटी इंस्पेक्टर आए. मार्गी को लगा कि काउंटी इंस्पेक्टर तो लेके चले जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन को और कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद हो जाएगा. बट काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को एक एप्पल दिया और वहीं बैठ गए. उन्होंने सारा कंप्यूटर जो था उसको अनइंस्टॉल किया. अब मार्गी को लगा कि अनइंस्टॉल तो कर दिया है, इसको वो वापस से असेंबल नहीं कर पाएंगे. बट विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर ही काउंटी इंस्पेक्टर ने सारा कुछ ठीक ठाक करके स्क्रीन को वापस लगा दिया. अब तो मार्गी को बहुत गुस्सा आया कि सड़ा हुआ टीचर, बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन जिसमें सिर्फ टेस्ट और क्वेश्चन पेपर्स. शी डिड नॉट लाइक इट एट ऑल.
All right. The part Margie hated the most was the slots where she had to put the homework and test paper. She had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. सो मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था वो स्लॉट जहाँ उसको होमवर्क्स और असाइनमेंट पुट करने होते थे, और ये होमवर्क्स और असाइनमेंट सारे पंच कोड में होते थे, कंप्यूटर लैंग्वेज में होते थे, और ये मार्गी ने 6 साल की उम्र में सीखा था. और उसे इसलिए बुरा लगता था क्योंकि वो एक के बाद एक टेस्ट करती पंच कोड में, और कंप्यूटर टीचर विदाउट एनी टाइम उसको स्कोर देते थे, और वो स्कोर भी बेकार. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. ही सेड टू हर मदर, It's not the girl's fault, Mrs. Joan. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Finally, सारी चीज़ें ठीक करने के बाद उन्होंने बताया काउंटी इंस्पेक्टर ने कि एक्चुअली आपकी बेटी मार्गी की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स. ये सारा जो गड़बड़ था ये कंप्यूटर की वजह से है, कोई टेक्निकल फॉल्ट था. कंप्यूटर का लेवल काफ़ी अपग्रेडेड था, मैंने अब उसको स्लो कर दिया है मार्गी के एज के अकॉर्डिंग. मार्गी 10 साल की बच्ची है, अब इसमें 10 साल के लेवल के क्वेश्चंस ही आएंगे ताकि मार्गी इजीली उन्हें ठीक से आंसर कर सके. पहले ये बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड था, कई बार ऐसा हो जाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी को तो बहुत बुरा लगा, उसने तो पूरा मन बना लिया था कि शायद कंप्यूटर को लेके कुछ दिनों के लिए ये लोग चले जाएंगे. एक बार टॉमी के साथ भी ऐसा ही होगा था, टॉमी के कंप्यूटर स्क्रीन का हिस्ट्री सेगमेंट पूरा खराब हो गया था, तो काउंटी इंस्पेक्टर आया और टॉमी का स्क्रीन लेके चला गया, और ऑलमोस्ट पूरा एक महीने तक उन्होंने अपने पास ही उसका कंप्यूटर रख लिया था. Tommy looked at her with a very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. So Tommy तो book पढ़ रहा था, उसने एकदम से अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अरे बुद्धू ये जो school है ना ये हमारे जैसे schools नहीं थे, ये schools तो बहुत पुराने schools हैं. हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो इस तरह के स्कूल्स हैं, हम जैसे कंप्यूटर स्क्रीन्स पे पढ़ते हैं ऐसे स्कूल्स नहीं थे तब, तब के स्कूल्स अलग तरह के थे. मार्गी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. श्योरली दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. अ मैन? How could a man be a teacher? So, दोनों भाई बहन अपने आप में डिस्कस करने लगे. अब मार्गी ने बोला ओके चलो मैं देखती हूँ. कुछ देर उसने बुक को देखा, देन शी केम टू फाइंड आउट कि पहले स्कूल जो है इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन्स पे नहीं होता था. पहले एक सेपरेट बिल्डिंग होती थी जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ को जाना पड़ता था, जहाँ पे वो लोग पढ़ते थे. ठीक है, मार्गी ने फिर बोला कि चलो कोई बात नहीं, स्कूल बिल्डिंग हो या ना हो उनका एक टीचर तो था. तो सिमिलरली इमीडिएटली टॉमी ने बोला हाँ हाँ उनका एक टीचर भी था, एंड इट वाज अ ह्यूमन बीइंग, इट वाज अ मैन. नाउ मार्गी वाज मोर सरप्राइज्ड. अ मैन? कोई आदमी कैसे टीचर हो सकता है, हमें तो कोई इंसान नहीं पढ़ाता, हमें तो कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ाता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. अ मैन इज इन स्मार्ट इनफ. He, sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Ab immediately Margie ne bola, koi insaan kaise computers se zyada behtar padha sakta hai? Insano ke paas itni knowledge hi nahi hoti hai. Computers mein jitna vast knowledge hota hai, insaan mein kahan utna knowledge hai? इंसान ठीक से नहीं पढ़ाते, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती. तो टॉमी ने एकदम से उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है. मेरा कंप्यूटर में जितनी नॉलेज है उतने ही नॉलेजेबल मेरे पापा भी हैं.
अब मार्गी इस बात को काट नहीं सकती थी, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने ये बोला कि भाई मैं तो किसी भी टीचर को अपने घर के अंदर नहीं आने दूँ, मैं तो किसी भी इंसान को मुझे पढ़ाने के लिए ना आने दूँ, इट विल बी सो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। नाउ मार्गी वॉज लाइक, मेरे घर में कोई स्ट्रेंज टीचर क्यों आकर रहेगा मुझे पढ़ाने के लिए। तो टॉमी उसकी बात को सुन के हंस पड़ा, उसने बोला ओहो मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता, टीचर घर आके किसी को नहीं पढ़ाता था, बल्कि सब लोग एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जिसको स्कूल बोलते थे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो मार्गी ने पूछा और सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? तो टॉमी ने कहा हाँ, अगर सब एक ही एज ग्रुप के हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो बच्चे क्लास सिक्स में हैं वो सब एक ही एज ग्रुप के हैं, आप लोग क्लास सेवेंथ में हो आप सब एक ही एज ग्रुप के हो, तो एक ही तरह की किताबें पढ़ते हो ना, दैट इज़ द थिंग। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। I didn't say I didn't like it, Maggie said quickly. She wanted to read about those funny schools. So finally, Margie ने बोला लेकिन मेरी मम्मा तो कहती हैं कि हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल और हर बच्चे की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है और टीचर को अकॉर्डिंगली सेट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, तो एक इंसान उतने सारे बच्चों को कैसे एक साथ पढ़ा लेता था, ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है। अब टॉमी ने एकदम से किताब ले ली मार्गी के हाथ से और बोला देखो तुम्हें अगर नहीं पता करना तो तुम यहाँ से जाओ मुझे पढ़ने दो। लेकिन मार्गी को तो इंटरेस्ट था, शी वॉज़ वेरी क्यूरियस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पुराने स्कूल्स के बारे में पता करना है। तो उसने बोला नो नो, मैंने ऐसा कब बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे और बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि पहले स्कूल्स कैसे होते थे। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. So, अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में मार्गी की मम्मा ने आवाज़ लगा दी, मार्गी जल्दी आओ स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी ने एकदम से बोला नहीं मम्मा अभी नहीं, अभी हमें बात करनी है। तो मार्गी की मम्मा ने और ज़्यादा फर्म आवाज़ में बोला नहीं अभी चलो जल्दी चलो, तुम्हारे स्कूल का टाइम है और मुझे लगता है कि टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। सो मार्गी ने बोला क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के स्कूल के बारे में ये जो बुक है उसको थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. So finally, he started walking, taking the book back. He said, हाँ, बाद में देखते हैं. Margie went to the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. सो मार्गी अपने स्कूल में गई। अब मार्गी का स्कूल कहाँ था? जस्ट उसके बेडरूम के नेक्स्ट, मतलब उसका जो अपना कमरा था उसके नेक्स्ट रूम में ही उसका स्कूल था। ठीक है, वो अपने स्कूल वाले रूम में इंटर हुई, वहाँ बड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन उसके लिए ऑलरेडी स्विच्ड ऑन मोड में उसका वेट कर रहा था। हर रोज़ कंप्यूटर यानी वो जो मैकेनिकल टीचर है वो सेम एग्जैक्ट इसी टाइम पे अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था, सेटिंग्स ही इस तरह की हुई थी, क्योंकि मार्गी की मम्मा का मानना था कि हर रोज़ एक प्रॉपर टाइम टेबल या प्रॉपर रूटीन फॉलो करने से बच्चे पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। सिर्फ संडे और सैटरडे को उसका स्कूल ऑफ होता था। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट yesterday's होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो जैसे ही स्क्रीन शुरू हुआ, स्क्रीन में लाइट जली और उस पर लिखा आ गया कि आज हम अर्थमेटिक चैप्टर पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। और इससे पहले कि हम आज का लेसन स्टार्ट करें,
मार्गी से उसने क्या बोला, उसने मार्गी को इंस्ट्रक्शंस दी कि कल जो होमवर्क दिया था उसको प्रॉपर स्लॉट में पंच कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। सो मार्गी ने बड़े ही मन को किस तरह कंट्रोल किया और बड़े ही दुखी मन से अपना होमवर्क जो है पंच कर दिया स्लॉट में। और जब वो ये सब कर रही थी उसके ध्यान में क्या जा रहा था, कैन यू सी शी इज़ थिंकिंग एंड थिंकिंग ऑफ द ओल्ड स्कूल, कि जो जो चीज़ें उसने बुक में पढ़ी थी कि कितना मज़ा आता होगा ना जब मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर बच्चे रहे होंगे, सब बच्चे एक साथ स्कूल में जा रहे हैं हंसते हुए, शोर मचाते हुए, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए, सब एक साथ पढ़ने जाते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, कितना मज़ा आता होगा। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब सब लोग सेम एज ग्रुप के जो बच्चे थे वो एक ही तरह की चीज़ पढ़ते थे, इसीलिए वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। अगर किसी को कभी होमवर्क में कोई परेशानी आई तो दूसरा फ्रेंड या दूसरा बच्चा जो है अपने फ्रेंड को हेल्प कर सकता है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे अनोखी बात कि जो टीचर्स थे वो क्या थे, वो लोग थे, ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 and 1/4। और जब मार्गी ये सब सोच रही है तब मैकेनिकल टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जब हम प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐड करते हैं 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी का ध्यान उसके मैकेनिकल टीचर पे या उस दिन के लेसन पे बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसका ध्यान तो कहाँ था, वो यही सोच रही थी कि उन दिनों में, पुराने दिनों में कितना मज़ा आता होगा, सब एक साथ पढ़ते होंगे, सब एक साथ लंच करते होंगे, स्कूल में अपनी कितनी सारी बातें करते होंगे, कितनी मस्ती करते होंगे, एक दूसरे को पढ़ाई में हेल्प करते होंगे, मतलब मज़ा ही अलग आता होगा। मेरी तरह बोरिंग स्कूल नहीं होगा कि सिर्फ अपने कमरे में चले जाओ और स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट करो, कोई और है ही नहीं, राइट। सो दिस वॉज द चैप्टर। सो नाउ यू कैन कॉन्ट्रास्ट, अभी आप लोग सब प्रेजेंट टाइम में स्कूल जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, मज़ा करते हो, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कंट्रोल ले लेगी तब यही होगा, सब लोग घर में बैठेंगे, सबके कन्वर्सेशंस लिमिटेड हो जाएंगे, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स में, ग्रुप डिस्कशंस नहीं होगा, दोस्तों से मिलना नहीं होगा, सब कुछ लिमिटेड हो जाएगा, तो क्या उतना मज़ा आएगा। तो सी, टेक्नोलॉजी हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो यू कैन ईजिली कंपेयर। मार्गी की हालत देख के आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि आजकल जो स्कूल है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या फ्यूचर में जिस तरह के स्कूल्स आएंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो आ जाओ, लेट्स डू द वर्ड मीनिंग्स वंस अगेन। क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स समथिंग विच इज क्रश्ड और क्रम्बल्ड। टेलीबुक्स मीन्स द बुक्स विच आर डिस्प्लेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स। एटिक मीन्स अ रूम और एरिया दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस अंडर अ पिच्ड रूफ, है ना, स्टोर रूम टाइप का जो एरिया होता है जहाँ पे सारी स्टोरेज की चीज़ें रखते हैं उसको हम एटिक बोलते हैं। काउंट्री इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स फॉर द लोकल सब डिविजन्स लाइक अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, यानी जितने स्कूल्स के एक साथ जो इंस्पेक्टर होगा जो स्कूल्स का ध्यान रखेगा उसको काउंट्री इंस्पेक्टर बोलते हैं। सो स्लॉट, स्लॉट मीन्स ओपनिंग। गियर्ड, द पर्टिकुलर लेवल एट विच समबडी स्टार्ट्स वर्किंग। सेक्टर, सेक्टर मीन्स एन एरिया इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोग जो हैं डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, किसी से बहुत ही सुपीरियरिटी के साथ बात करना। रेगुलर, रेगुलर मीन्स समथिंग विच इज़ डन नॉर्मली और यूजुअली। बेचा, अ फॉर्म ऑफ बेट यू, जब हम किसी से शर्त लगाते हैं कि पक्का शर्त लगा रहा है इस तरह से।
non-gallantly in a calm and casual manner. Okay, children? So, with this, we are done with the word meanings. Now, it's time to proceed towards the exercises. So, let's get started. We have multiple choice questions, so we will answer them one by one. We will take them one by one. So, let's get started. The first one says, when Tommy said, what a waste about the book, he meant that trees were cut to make paper. It would be discarded after reading. It did not include many stories. It has no moving pictures. So, the second one is correct. Remember, he said ki stories padhne ke baad fir un books ka kya kaam, unko to fek dena padega, so it would be discarded after reading. Second, Margie was having trouble with geography because she didn't study hard, too much homework, syllabus was too fast. She hated the slot for papers, actually. Usko test papers wala slot bilkul pasand nahi tha. ठीक है, बिकॉज सिलेबस भी बहुत जल्दी जल्दी रन कर रहा था. ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. थर्ड, द इंस्पेक्टर केम टू मार्गीज हाउस टू चेक हर ड्रॉप्ड ग्रेड्स, टू पनिश हर, टू फिक्स द मैकेनिकल टीचर, टू रिप्लेस अ टीचर. सो टू फिक्स द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको फिक्स करने के लिए आया था. लेट्स मूव फर्दर. फोर्थ वन, अ टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each student. This means each student has different abilities. Each should be taught separately. Teaching should match the student's ability. A teacher should fit into the learner's mind. So, teaching should match the student's ability. Okay? Fifth one, Margie felt children attending school in the book were different from hers because they were excited and reluctant, upset and afraid, agitated and sorrowful, apathetic and tired. So, she thought they were different because they were excited and reluctant. Alright? Clear? Now, explain the given line in your own words. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. In these lines, basically when Margie sat down to study, she was dreaming about the old kind of school. Wo purane schools ke baare mein soch rahi thi. She started thinking in her mind what kind of beautiful building it must have been. All the children would have been going together through the school along with their friends. They must be talking to each other, helping out each other with the assignments and homework. It would be so much of fun. They would must be enjoying. Nobody was left alone like her. So she was thinking the kind of enjoyment the children had when they had to go to the school building. So I hope, children, you have understood. All right. So with this, we are done with the exercises. I hope you have understood the chapter well. Very interesting chapter indeed, which clearly gives a contrast between the present day schools and the schools which would be in future. So, we are done with today's session. I will meet you again soon with some new and interesting topic. Bye bye and take care. Stay tuned for the new video.